जबलपुर को देवंत आए हैं। जैसे नंबर फोर रेड पर राइट कॉर्नर तरफ दबाने का जरूर प्रयास किया था, लेफ्ट कॉर्नर फिर से स्टार्टिंग, उनका शौक जो है वो राइट कॉर्नर सबसे फेवरेट है और खाली हाथ वापस जाना पड़ेगा। और लंबे करके खिलाड़ी जर्सी नंबर सिक्स राइट कॉर्नर लेफ्ट कॉर्नर कुछ बैलेंस बनाने का प्रयास, पहला रेड है कोशिश चकमा देने के जरूर राइट कॉर्नर लेफ्ट कॉर्नर स्लिप मारने का लगातार प्रयास उनके द्वारा, पर पहले ही रेड है तो मुझे ऐसा लगता है ज्यादा जोखिम ज्यादा रिस्क लेने का प्रयास नहीं, या हो सकता है कसम खा के निकले होंगे एक पॉइंट लिखी है कि पहले रेड पे, लेकिन ऐसा है नामुमकिन। दोनों ही टीमें काफी अच्छी टीम है, सीनियर टीम है दोनों, प्रो कबड्डी का काफी लंबे अरसों से अंदाजा अनुभव है। भरसा कोडी दोनों टीमों का पॉइंट अभी खाता नहीं खोल पाया, बोनस लेने का जरूर प्रयास किया था जर्सी नंबर फोर, और ये बोनस और देखना है तो रेडर को बोनस मिला और कैचर आउट, खाता खोला भपसा को, एक बोनस और एक टच पॉइंट तो बढ़िया। जर्सी नंबर 12 आए हैं रेड पर और देखना है मिड लाइन के नजदीक कितने पॉइंट, देखना है सुपर रेड क्या, और ये सुपर रेड सुपर रेड है, तालियां हो जाए जबरदस्त एक मेहमान टीम के लिए, पहला ही अपने रेड पर सुपर रेड 3-2 से चलते हुए यह मैच, बढ़िया मैच। दर्शकों से मैं जरूर आशा करूंगा कि आप जो है तालियों से उत्साह जरूर करें खिलाड़ी भाइयों का, क्योंकि मेहमान टीम है जबलपुर से चलकर आए हैं, लगभग 150 किलोमीटर से चलकर आए हमारी मेहमान टीम, स्लिप मारने का जरूर प्रयास किया था और वहीं गलती एक बार फिर पड़े, देखना कितने पॉइंट, 1-2 और मिलेगा बापसा को, 4 जा पहुंचा स्कोर 4-3। और जर्सी नंबर 12 फिर से एक बार, जर्सी नंबर 12 काफी खतरनाक नंबर होता है, कि मुझे ऐसा लगता है 12 नंबर का शिकार करना काफी दिक्कत होता है, और वही अभी देखने को मिला था जो एक सुपर रेड करके गए थे, एक पॉइंट और लेने का प्रयास जरूर है और चैलेंज भी किया है, देखना है एम्पायर उसको एक्सेप्ट करते हैं या नहीं। जर्सी नंबर 12 छोटे कद के खिलाड़ी जरूर है और पूरा अपने सीजन, और एक पॉइंट और मिला। निश्चित ही परस्ते जी, जैसा कि आपने कहा कि 12 नंबर जो है खतरनाक पॉइंट तो है ही, लेकिन कुछ ना कुछ खिलाड़ी जो के मन में तो इधर कर गया होगा कि एक लकी नंबर हो सकता है, तो यहाँ पर दोनों ही टीमों के मध्य स्टार रेडर से सजी हुई और कांटे की टक्कर देखने को मिल रहा है, जो कि 4-4 की स्थिति पर था और अभी जो है कुछ अंकों से यहाँ पर लीड लेता हुआ भक्सर की टीम, और वही मेहमान टीम जबलपुर की जबरदस्त यहाँ पर प्रदर्शन करती हुई। बिल्कुल सही कहा है आपने, 6-4 तो कहीं ना कहीं जबलपुर के जो टीमें हैं उनमें तालमेल की कमी साफ साफ दिखाई दे रहा है, 7 जब पहुंचे स्कोर 3 अंक से अभी भी आगे भरसा, तो काफी अच्छी स्थिति है, सुपर टेकल वन है, खिलाड़ी को टेकल करेंगे 2 पॉइंट मिलेगा और रिस्क लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है भरसा को, मुझे ऐसा लगता है क्योंकि आराम से खेल रम चलाए करो और खाली हाथ वापस। और जैसे नंबर मेरे गांव के जो खिलाड़ी है जबलपुर जिला जैसे नंबर 9 राइट कॉर्नर लेफ्ट कॉर्नर, और लगभग 4 मिनट का खेल हो चुका है, 3 मिनट और आपके पास स्कोर 4-7 से चलता है मैच, 3 अंकों से अभी भी आगे भपसा, तो काफी अच्छी स्थिति में भपसा। वही जबलपुर के मैं बात करूं तो कहीं ना कहीं तालमेल की साफ साफ कमी दिखाई दे रही है, जो कि ये प्रो कबड्डी में काफी निराशाजनक निर्णय हो सकता है। सुपर टैकल ऑन है फिलहाल जर्सी नंबर 4 स्टार रेडर अपनी टीम के, बक्सा 3 पॉइंट लेकर चले गए हैं वो, राइट कॉर्नर लेफ्ट कॉर्नर सुपर टैकल ऑन है, ज्यादा जोखिम लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, 3 पॉइंट अभी आगे चल रहे हैं बक्सा, और काफी बढ़िया, दर्शकों में जरूर खामोशी है कि देखना क्या होगा कौन निकालेगा मैच, और अच्छा टैकल सुंदर टैकल मिड लाइन के नाते, कितने खिलाड़ी मुझे लगता है फिर 3 खिलाड़ी हो सकते हैं, और ये 3 सुपर रेडर सुपर रेड बढ़िया रेड, और ये थर्ड रेड डुअल, ये थर्ड रेड नहीं है शायद, फिर से आए हैं एक बार जर्सी नंबर 4 चलो चलो 6 डिफेंडर कोर्ट पर थर्ड रेड,
छाती में छाती। और बोनस लेने का जरूर प्रयास, और बोनस मिला या नहीं, एम्पायर से जरूर रंगों की पहनी नजर बनाए रखें, गलतियां की कोशिश गलतियां ना हो ये ध्यान रखेंगे। और कितने पॉइंट मिले, बोनस भी मिला, एक पॉइंट और मिला बक्सा को, दो मिलेगा, नौ जा पहुंचा स्कोर बक्सा का। तो बढ़िया तालमेल, अच्छा तालमेल, अच्छा तालमेल। लगभग 5.5 मिनट का खेल हो चुका है, 1.5 मिनट का खेल और बाकी लगभग। और यादव जी एम्पायर से अनुरोध करूंगा स्कोर बोर्ड से थोड़ा सा साइड प्लीज, 7-9 से चलता हुआ स्कोर अभी भी 2 अंक से आगे है बक्सा, और लगभग 1 मिनट का खेल और बाकी है पहले हाफ के लिए। और बढ़िया मैच देवंत आए हैं जर्सी नंबर 4 पर, सेंटर सुलभ मारने का जरूर प्रयास किया था, सेंटर टच मारने का जरूर प्रयास, राइट कॉर्नर लेफ्ट कॉर्नर किक भी मारने का जरूर प्रयास, लेकिन खाली हाथ वापस जाना पड़ेगा। 2 अंक से अभी भी लीड पर, लगभग 1 मिनट का खेल और बाकी, 2 या 3 रेड हो सकते हैं 1 मिनट में पहले हाफ के लिए, अभी भी 2 अंकों से आगे भरसा। भरसा को ज्यादा रिस्क ज्यादा जोखिम, उनके जी मुझे ऐसा लगता है कि आप होश में जोश ना खोए तो ज्यादा बेहतर होगा। निश्चित ही बरसते जी, क्योंकि दोनों ही काफी सशक्त और मजबूत टीम है, इसलिए शानदार जश्न भरसा के खिलाड़ियों के द्वारा। तो जीवन में हो या खेल में हो, रिस्क तो लेना पड़ेगा, और जो रिस्क लेता है वही, यदि ये रेडर फुल टाइम खेलता है तो अंतिम रेड हो सकता है, पर देखना होगा 30 सेकंड खेल पाते हैं अन्यथा नहीं। एम्पायर ध्यान देंगे, ये आखिरी रेड होगा अगर पूरे 30 सेकंड लेते हैं तो। 10-7 से चलता हुआ है मैच, बढ़िया मैच, एक रेड और हो जाएगा क्योंकि पूरा 30 सेकंड नहीं लिया है, एक रेड हो जाएगा। और 3 अंकों से आगे अभी भी बक्सा, और ये लास्ट रेड, लास्ट रेड हो जाएगा क्योंकि तुरंत रिटर्न हो गए हो, पूरे टाइम नहीं लिए। ये थर्ड रेड है, थर्ड रेड है 4 डिफेंडर कोर्ट पर, और बोनस ऑफ है, बोनस बिल्कुल मिलेगा नहीं, 4 डिफेंडर कोर्ट पर 1 पॉइंट लेके आना पड़ेगा। और ये देखना कितना पॉइंट मिलेगा, तालमेल के साथ साफ करी, और ये समय की समाप्ति, समय पहले हाफ का समय होता हुआ मौका है आदर्श अहिंसा क्लब मेरे गांव के जो खिलाड़ी हैं उनके लिए, अभी ज्यादा अंकों के लिए नहीं है, तो कहीं ना कहीं जो वातावरण या परिवेश का जो असर है, क्योंकि वो भली भांति परिचित है भापसा के खिलाड़ी, तो कहीं ना कहीं जो कि सिटी प्लेस से खेली हुई खिलाड़ी हैं, तो थोड़ा ना थोड़ा कहीं एक्सपीरियंस यहाँ पर उनको है नहीं, तो कहीं ना कहीं उनको कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि वो शहरी स्तर के खिलाड़ी हैं, हो सकता है अगर वो मेटी में खेलने का उसको हैबिट हो, और या खाली अगर जमीन में ऐसा अगर खेले तो उनको दिक्कत हो सकता है। जय भारत, बोनस और 1 पॉइंट भी दे रहे हैं बक्सा, 12 जा पहुंचा स्कोर। हेलो चैन, इसके बाद बैच हो रहा है, ध्यान देंगे गोड़वाना यूथ क्लब फड़की वर्सेस रगरिया यंग क्लब, रगरिया वर्सेस गोड़वाना यूथ क्लब। तो बक्सा की जो एडवांस टैकल है, मैं बात कर रहा हूँ बार बार यही चीज का, और एडवांस टैकल आप करेंगे, सिंगल टैकल करेंगे तो हम अगर भुगतना पड़ेगा 10-12, ज्यादा कोई अंतर नहीं है, समय काफी है उनके पास अभी। बढ़िया टैकल, सुंदर टैकल, 1 पॉइंट और मिलेगा जबलपुर को, 11-12 से चलते हुए हमें लगभग शुरुआती क्षण, लगभग 1.5 मिनट का खेल होता हुआ 1 पॉइंट से आगे अभी बक्सा, सुपर टैकल ऑन है, इस खिलाड़ी को टैकल करेंगे जैसे नंबर 9 को, तो 2 पॉइंट मिलेगा। अभी जीत गए बेटे, लेफ्ट कॉर्नर तरफ दबाने का प्रयास किया लेकिन वहीं निकल चुके, और वहीं देखना है ऑल आउट करते हुए बक्सा ऑल आउट। तो काफी अच्छी स्थिति में, उनके जी मैं बात वही कर रहा था कि समय आउट लेते हुए बक्सा की टीम, फिर भी अभी बक्सा अभी भी पीछे नहीं है, तो दोनों ही टीमों के बीच लगभग काफी कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है, और दर्शक खामोश है कि कौन सी टीम यहाँ पर विजय होगी, ये तो भविष्य के गर्त में छुपा हुआ है। बिल्कुल सही कहा अंकल जी, जबरदस्त वापसी जबलपुर की टीम को देखने को मिलेगा, 1 पॉइंट और लेके आए, देखना कितने पॉइंट, 1 पॉइंट मिलेगा, एक उंगली यादव जी के हवा में, 1 पॉइंट मिलेगा। 3 अंकों से अभी भी आगे 1/2 से चलता हुआ, सॉरी 1/2 तो नहीं है, 3 अंक आगे अभी भी 13-16 से चलता हुआ मैच, बोनस ऑन है, बोनस मिलेगा इस खिलाड़ी को, अभी डिफेंड
टैकल बिल्कुल नहीं हुआ है, एक भी बार टैकल लगाने का जरूर प्रयास किया था जर्सी नंबर 9। अगर आप, मुझे ऐसा लगता है भपसा के जो डिफेंडर है, उनके जो कोच है, उनके जो कैप्टन है, तो कहीं ना कहीं रणनीति जो बना रहे हैं कि वॉक लाइन भी नहीं रोक रहे हैं। अगर वॉक लाइन रोकते तो थोड़ा पीछे तक खेलते, बोनस बचाने का प्रयास करते, तो ये बोनस बचाने का प्रयास तो नहीं कर रहे हैं। वॉक लाइन के एकदम नजदीक खेल रहे हैं, लेकिन वॉक लाइन तो आराम से ले रहे हैं और मिड लाइन बिल्कुल नजदीक है वहां से, तो रेडर को कहीं ना कहीं बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं होगी। अरे अच्छा टैकल, सबने टैकल, बढ़िया टैकल, और जो उनके टीम कोच हैं कहीं ना कहीं उनके रणनीति के अनुसार वो खिलाड़ी उनके कहे गए अनुसार उनके बातों पे कायम हैं, तो जिस हिसाब से उनको रिजल्ट भी मिल रहा है। और भाई देखो 17-13 अच्छा स्थिति में टेक लगाने के जरूर प्रयास किया था, चैलेंज किया है और एक पॉइंट और जर्सी नंबर 9 को स्वीकार किया है मोटा कद के खिलाड़ी को। वो शिकार अच्छा चुनते हैं जबलपुर के। हेलो, ध्यान देंगे इसके बाद मैच हो रहा है पीएमडी होस्टल के बद गोड़वाड़ा यूथ क्लब खड़की के बीच हो रहा है। आप टीम कैप्टन खिलाड़ी बंधु आप तत्काल के टप्पू के कोर्ट के आसपास पहुंच जाए तो बेहतर होगा। बिल्कुल, ज्यादा समय की आवश्यकता नहीं है क्योंकि आज फाइनल का दिन, लगातार तीसरा दिन आज, तो खिलाड़ियों को लगभग 4 मिनट का खेल हो चुका है। खिलाड़ी ध्यान देंगे 18-14 में चलता है यह मैच, 4 अंक अभी भी आगे जबलपुर, तो काफी अच्छा वापसी जबलपुर का। जर्सी नंबर 9 जब से रेड में आए हैं विके जी, तो बिल्कुल धुआंधार मचा दिए हैं ऐसा लगता है, और भपसा को बिल्कुल कहीं ना कहीं बिल्कुल मौका नहीं दे रहे हैं, वो किसी भी शब्द में मौका नहीं दे रहे हैं टैकल होने का, और यही उनको फायदा मिल रहा है। बिल्कुल दबाव बनाने का जरूर प्रयास किया है जिंदे जबलपुर का। निश्चित ही बरसते जी, लगभग 2.5 मिनट का खेल और होना बाकी, अभी भी वापसी का मौका है भपसा के लिए। जैसा मैं कह रहा था वैसे ही देवंत जो है अंक लाने में कामयाब हुए हैं, तो अभी भी यहां पर टाइम आउट, तो एक पारी में दो दो टाइम आउट दोनों टीम ले सकते हैं, ये रूल्स को फॉलो जरूर करेंगे। 15-18 तो अभी भी 3 अंकों से आगे फिर आए जैसी नंबर 9। जैसी नंबर 9 काफी जबरदस्त दबाव बनाने का प्रयास किया है, और वही गलती पे गलती अगर डिंडोरी करेगा तो जबलपुर से आपको पीछे होना पड़ेगा, और वही देखने को मिल रहा है साफ साफ बिल्कुल आपकी गलती, अपनी गलती को सुधारने का प्रयास करेंगे। और पॉइंट बढ़ता हुआ स्कोर 19-15, 4 अंकों से अभी भी आगे, और समय जो है, और एक पॉइंट आसानी से है क्योंकि उनको सपोर्ट नहीं मिला राइट कॉर्नर का, एक पॉइंट और आगे। अगर ऐसी गलतियां करेंगे फिर जर्सी नंबर 9 इसको टैकल करना काफी दिक्कत हो गया है, मुझे ऐसा लगता है वॉक लाइन, लेकिन वो मिड लाइन के नजदीक ही खेलते हैं वो, और वही वो चाहता है कि मिड लाइन के नजदीक कोई ऐसा डिफेंडर गलती करे, मुझसे पांव छुए या मुझसे कोई टैकल आए या टैकल करने के लिए सामने आए, वो ढूंढता है मौका ऐसे कोई कहिए, और मिड लाइन के नजदीक और दोनों ही टीमों के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिल रहा है, क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल सही कहा है आपने, कहीं ना कहीं तालमेल की जो कमी दिखाई दी डिंडोरी के टीम में, बिल्कुल पतझड़ की तरह बिखर गए, गलतियां उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। 16-23 जा पहुंचा स्कोर, काफी अच्छी स्थिति में थी, पहले हाफ में बढ़त में थी, एक एक पॉइंट से कुछ होने वाला नहीं है क्योंकि समय